बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस। बस 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 बस, ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं आरना मनाए प्रेजेंट बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल्क। आज वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप का मैच था और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था। टू अनबीटन टीम्स वर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। बात करेंगे मैच के बारे में, लेकिन सबसे पहले अपने प्यारे से पैनल का इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को चटाई है खाक, ऑलराउंडर खतरनाक अब्दुल रज़ाक। रज़ाक भाई एज यूजुअल प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहां से लिए ये कपड़े? ये आपको बताना चाह रहे हैं कि कपड़े नहीं है। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट की दुनिया का इतना बड़ा नाम, जियो न्यूज के पास कपड़े ही नहीं है। सारे पैसे उन्होंने महंगे होस्ट पर खर्च कर दिए। इनके साथ मौजूद हैं बॉलर कामिल, हमारे पैनल पे शामिल मोहम्मद आमिर। खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं ऑलराउंडर बेहतरीन आदमी हसीन इमाद हुसैन। भाई जान आपको कहा था वीडियो नहीं बनानी, मगर आप खुलेआम वीडियो बना रहे हैं, अब नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा भाई, आज मैच था पाकिस्तान और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, दोनों अनबीटन टीम्स थी। इमाद आपसे स्टार्ट करूंगा, ऐसा लग रहा था ना कि दो अनबीटन टीम्स खेल रही हैं आज काफी अच्छा। न्यूजीलैंड ने इंडिया ने टॉस जीता, न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग कराई, शायद इसलिए कि इंडिया अच्छा चेस कर लेती है। न्यूजीलैंड ने जो था वो एक मॉडेस्ट अच्छा और ना बुरा स्कोर किया, 273 रन स्कोर किए 50 ओवर में। इंडिया ने अच्छी बॉलिंग कराई, बॉलिंग पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि जब दो स्ट्रॉन्ग टीम्स और अनबीटेड टीम्स खेल रही होती हैं तो स्कोर कम भी बना मगर तब भी 48 ओवर तक बात पहुंची। नहीं, बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि जब दो अच्छी टीमें खेल रही होती हैं, चाहे मॉडेस्ट स्कोर हो चाहे बिलो एवरेज हो बिलो पार हो, वो फाइट करती हैं। और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी चीज़ खूबसूरती है कि वो कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं, और जिस कैलकुलेशन से उन्होंने किया, आज अगर जो डिफरेंस था वो एक ही प्लेयर था विराट कोहली दोनों टीमों में, और इसीलिए हम उसे कहते हैं कि चेज हो या पहले बारी हो, इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बाय फार, और नथिंग अगेंस्ट एनी अदर प्लेयर, बट सो फार उसने इतनी बार कर चुका है कि अब डिबेट खत्म हो जाएगा, डिबेट भी नहीं कर सकते, डिबेट ही नहीं हो सकती आपके। विराट कोहली इज प्रोबेबली द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट इन दिस एरा, ऐसा ही दिस एरा। आमिर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा, बेंच की बात करेंगे इंडिया की। इंडिया की बेंच में बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए, आज इन्होंने बेंच से एक प्लेयर को उठाया मोहम्मद शमी को और टीम में डाला, और मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में सिर्फ 54 रन देकर 5 विकेट्स हासिल कर लिए। ऐसा लगा ही नहीं कि वो लड़का कभी बेंच पे बैठा हुआ था, ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे होता है कि जब बुमराह इंजर्ड थे तो शमी खेल रहे थे, कंसिस्टेंट उन्होंने उनको खिलाया, तैयार किया, सिराज और एक शमी की उन्होंने एक जोड़ी बना दी। खेलते गए बीच में वो शार्दुल को खिलाते रहे, पांड्या बीच में आता रहा, उनको पता था कि जैसे ही बुमराह आएगा बुमराह हमारी फर्स्ट चॉइस होएगा, लेकिन जो बेंच पे होगा उसका इतना एक्सपीरियंस हुआ होगा, वो खेला होगा कि उसको कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वेरी नाइस। और वो जैसे शमी आए तो उन्होंने दिखाया कि फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छा बॉलर होता है वो चाहे 6 महीने बाद खेले 8 महीने के बाद खेले, जब वो फिट होता है क्रिकेट खेल के आता है वो डिलीवर करता है, और शमी लगा ही नहीं कि वो पहला मैच खेल रहा था। सही कह रहे हो। तो ये डिफरेंस है टीमें तैयार कैसे की जाती हैं, और यही इंग्लैंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो बाकी बोर्ड से या क्रिकेट टीम से डिफरेंस है ना वो यही है। तो अपने आप देखें कि जो भी कोई थोड़ी सी हल्की सीरीज आती है वो बड़े प्लेयर्स को नहीं खिलाते थे, वो हमेशा इसी तरह शरिया सैयर हो गया, सूर्या कुमार यादव, ईशान किशन, और उन्होंने हमारा अपना बेंच जो है ना ऐसे स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो अभी जैसे आज सूर्या भी आए तो वो लगा भी नहीं था कि वो पहला मैच खेल रहा, वो अलग ही रन आउट हो गए, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से खेल रहा था। अच्छा, यही मैं पाकिस्तान की तरफ लेकर आऊंगा इस पूरी सिचुएशन को, हमारी बेंच पे उसामा मीर बैठे हुए थे, जब उसामा मीर को टीम में शामिल किया गया तो अक्सर लोगों ने ये कहा, आपसे पूछूंगा रज़ाक भाई, कि उसामा मीर मैच खिला दिया है ताकि बुरा परफॉर्म करे ताकि शादाब वापस आ जाए, कॉन्ट्रोवर्सी सी आवाज आई मुझे इंटरनेट के ऊपर, तो हम ये क्या सही है? आज शमी ने भी इतना मुश्किल मैच खेला है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तब 5 विकेट ली, तो हमारी बेंच का लड़का उस लेवल का क्यों नहीं होता जो प्लेइंग 11 में खेल रहे होते हैं? देखिए, सबसे पहले टीम का माहौल बड़ा जरूरी होता है। हाँ। और टीम जब जीत रही होती है परफॉर्म कर रहे होते हैं और सब प्लेयर को लगता है कि जी मैनेजमेंट हमारे साथ सिंसियर है, ठीक, और प्लेयर को फील होता है कि यार के मेरे साथ कुछ ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि बुमराह अगर खेल रहे हैं तो शमी बार बैठे हुए, तो उसका ये नहीं मतलब कि शमी बार बैठे ही बैठे वो अंडर प्रेशर हो जाए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो कर दे,
तो उनमें ये चीज पाई नहीं जाती, ये उनका सिस्टम का हिस्सा है। हमने भी सिस्टम के हिस्से को चेंज करना है, जब तक ये सोच चेंज नहीं करेंगे तो कैसे प्लेयर बनेंगे मुझे बताएं। ठीक जी, ये बेंच की जो बात हो रही है, आप आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, हाउ मेनी मैचेस हमारे बेंच स्ट्रेंथ में खेले? यस, कौन सा एक्सपीरियंस जहाँ पे राइट टाइम था उसामा को खिलाने का, वहाँ वो उसको खिलाया नहीं। देखिए उसामा ने कोई 50 वनडे तो नहीं खेले, नहीं खेले, या उसने जमान ने नहीं खेले, इनकी आप देखें शामी के 50 या 100 150 वनडे होंगे, नेपाल के गेंस हमारी फुल स्ट्रेंथ खेल रही थी, इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस का कोई नेमों बदल नहीं। इसका ये है जवाब, सीधा सी बात है, पहला वाला जवाब सीधा नहीं था, पहला भी सही था, वो अच्छा समझ नहीं आई। बड़ी सीरियस डिस्कशन हो रही है, जो क्रिकेट वाला सवाल जवाब होता है ना, वो समझ नहीं आती। सही है, तो इसका सही जवाब ये है कि जो बेंच पे लोग बैठे होते हैं प्लेयर्स, वो मेहनत नहीं करते, क्योंकि मेहनत नहीं करते उनको पता है हम नहीं भी खेलेंगे ना तो हमें 50% पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा सेटबैक है, और बड़े खुश रहते हैं। हम जब नहीं खेलते थे तो हमें रात को नींद नहीं आती कि हमने खेलना है। खेलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको फील्डिंग करनी पड़ती है, बॉलिंग करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, तो तब जाके आपकी जगह बनती है। आमिर कुछ ऐड करेंगे क्या? मैं इस तरह ऐड करूंगा, देखिए हमारे लड़का जब खेलने आता है ना, जो रिप्लेसमेंट में आता है, उसको फील ऐसा ही करवाया जाता है कि ये अगर करेगा तो अगला मैच खेलेगा। वो क्योंकि उसको इतने चांसेस दिए नहीं होते, तो वो हर मैच वो ऐसे ही आता कि उसने प्रूव करना, आखिरी मैच खेल लिया, कहीं ना कहीं उसका लो होता है कॉन्फिडेंस। आमिर इसका ये होता है कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है ना, सिस्टम में प्रॉब्लम है ना, आपको आपने टीम तैयार नहीं की उस तरह, तो ये भाई सिस्टम में प्रॉब्लम है। इतनी मैनेजमेंट चेंज हो चुकी हैं, इतने कप्तान आके जा चुके हैं, इतनी चीजें चेंज होती रहती हैं पाकिस्तान में, हुकूमतें ये वो सब, नथिंग टू डू विद टॉप मैनेजमेंट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, ये कैप्टन और आपका कोच जो मैनेजमेंट होता है, कोच एंड सीनियर प्लेयर्स, उन्होंने टीम कैसे टीम बनाते हैं अपने 4 साल। लेकिन इमाद भाई इसी पे तो सवाल पूछ रहा था कि आपने खुद खेला हुआ है, आपने खेला है, जो सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो आप लोगों का क्रिटिसिज्म है या हमारा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे एनालिसिस है, वो सेम ही है। मैं जब से 20 साल 25 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ कि बेंच स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती। मैं कभी भी पाकिस्तान टीम या किसी टीम में क्रिटिसाइज नहीं करता, आप फैक्ट्स बताते, मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि ये फैक्ट है, इसको रेक्टिफाई करो, ये एरर है, ये मिस्टेक है। मैं अगर टीम में भी होता हूँ, मैं एग्जैक्ट यही रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ, अपनी क्रिकेट में भी और लड़कों की भी क्रिकेट में भी। तभी आप टीम में नहीं होते। एग्जैक्टली सही है भाई। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच पे बात करेंगे जो कल होने वाला है, इससे पहले मैं ऑडियंस की तरफ बढ़ूंगा, ये बेताब बैठे हैं आमिर भाई। ठीक है, पहला सवाल किसके पास है? अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर, हाउ आर यू? क्या नाम है? गुड। आपका क्या नाम है सर? सैयद जमशेद अली। जमशेद सर क्या करते हैं? आई एम बिग फैन ऑल ऑफ यूर थ्री। मेरा सवाल रजाक भाई से है। करंट कंडीशन में अगर आप चीफ सेलेक्टर होते तो आप मोहम्मद आबिर को चूज करते या शाहीन अफरीदी को? भारी सवाल, भारी हवा भारी कर दी स्टेज की, ये तो फायर ही कर दिया। देखे देखे ऐसा नहीं होता। वेरी वेरी शॉर्ट आप बताऊँ, मैं 3-4 साल सिलेक्टर भी रहा हूँ, कोच भी रहा हूँ, और मैं जो डिसीजन करता था ना अपनी तरफ से, एक तो मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जाके करता था, किसी के साथ कुछ ज्यादती नहीं होनी देते, कोई भी हो मेरी नज़र में, मेरी नज़र में सारे एक जैसे होते थे। अगर मैं चीफ सेलेक्टर होता, ये मेरिट पे पूरा आ रहे होते, जितना इनकी परफॉर्मेंस दी हुई है, इनका मेहनत का सारा पूरा जायजा लेता और फिक्स करता टीम में इनको, और इनकी क्योंकि हम पॉलिश नहीं करते प्लेयरों को, अगर ये बाहर हुए में हैं, इनके साथ कुछ ज्यादती हुई भी है, तो हमने क्यों होने दी है? बात ये है कि हमने क्यों ज्यादती होने दी? अगर प्लेयर चाह रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, अगर इससे इन्होंने ज्यादती की अपने साथ, तो हमने क्यों होने दी? ये हमारा फर्ज है कि ज्यादती ना होने दे। जवाब नहीं दिया आपने, अच्छी तकरीर की, आपने एक अच्छी तकरीर की, पूरा रीजन बता दिया, कशना रह गया, आप इधर आ जाइए मैं उधर आ जाता हूं। नहीं, ये यही काम करना है ना, आप सवाल कर लें, आप सवाल कर लें, ये मैं भी कर लूंगा। अच्छा वो अगला सवाल, ऐसा जवाब दे दिया कि जवाब दिया भी और नहीं भी दिया, लेकिन अगला सवाल ढूंढते हैं। अगला सवाल किसके पास? अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या नाम है आपका? असद बुखारी। क्या करते हैं सर? मैं एक तो पुराना क्रिकेटर भी हूं और रजाक साहब के दौर में मैं खेलता रहा, और एक मैच खेला भी मैंने इनके साथ। अच्छा, वैसे मैं डिजाइनर और मीडिया एडवर्टाइजर हूं। अरे वाह सर, सवाल पूछें सर। सर मेरा सवाल यह है कि एक अरसा मैंने आपको बॉलिंग करते देखा, वेल
भाई को भी देखा, आमिर भाई को भी, आपकी जो बॉल स्विंग लेती थी और आमिर भाई की स्विंग, हम भी ख्वाहिश रखते रहे मैं एक फास्ट बॉलिंग करता रहा हूँ, आजकल हमारे बॉलर्स की जो बॉल है स्विंग क्यों नहीं लेती, मतलब इस पर कोई काम क्यों नहीं हो रहा स्विंग? हाँ, स्विंग का इजी है। अच्छा, गाड़ी में अगर गाड़ी को अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए हाई ऑक्टेन डालना पड़ता है ना। yes. तो हाई ऑक्टेन के लिए आपके सारी चीज़ें जो स्पेयर पार्ट है ना बड़े परफेक्ट होने चाहिए, बड़े क्वालिटी वाले होने चाहिए। हमारी बॉडी को भी ऐसे ही चाहिए। yes. अगर आपकी फिटनेस आपके बॉडी से ज़्यादा है जितनी रिक्वायरमेंट है तो अल्लाह ताला आपके हाथों में स्विंग डाल देता है, आप फुल टॉस करते हैं तो विकेट मिल जाती है। मैं इस बात पे हाथ चूमना चाहता हूँ मुर्शिद के। आमिर भाई आपकी रिस्ट मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं दुनियावी जवाब, क्योंकि ये जो लड़के हैं ना आजकल के ये खेल रहे हैं टी ट्वेंटी क्रिकेट में आप इतना स्विंग पे ध्यान नहीं देते, आप एक आध ओवर की ट्राई करते हो, नहीं हो रहा, कटर बाउंसर यॉर्कर किया, साइड पे निकल गए, स्विंग आपको आती है आप पूरी फर्स्ट क्लास। जब आप वनडे क्रिकेट खेलते हैं, फोर डे क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता होता है इस चैनल में बॉल करना है, यहाँ से बाहर निकालना है, यहाँ से अंदर लाना है, वहां से आपको पता चलता है कि मैं फिंगर यहाँ पे करूंगा या थंब यहाँ पे करूंगा। टी20 में नहीं आपको पता चलेगा। इजी आपको समझा दूं, वसीम अकरम जब खेलते थे तो अपनी फिटनेस से ऊपर थे। जी जी, अपनी उम्र में वो हमने देखा है 10-10 चक्कर लगाते थे और फिट बहुत ज्यादा थे। उनका स्विंग अभी भी है, अभी भी अपने को फिट रखा है उन्होंने, अभी भी बॉल करेंगे ना स्विंग होगा जो मर्जी कहिएगा। ने हमेशा जो है वो आपको तेंदुलकर को आउट करते देखा है और कमाल का आप आउट करते रहे, आपके लिए एक दो मैं चाहूंगा तालियां होनी चाहिए। अगला भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जवाद। जवाद भाई सवाल जी, मेरा आमिर भाई से सवाल है, जैसे ये लीग्स मैचेस होते हैं वर्ल्ड में, इंडिया जो है वो ओनली IPL खेलती है, हाँ। पाकिस्तान जो है वो सारी लीग्स खेलती है, ऐसा क्यों? इस पे जरा रोशनी डाल दे। और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो सारी, इंडिया का शुरू से उसका रूल है जब तक लड़के IPL खेल रहे हैं वो दूसरी लीग, क्योंकि वो अपनी जो IPL की वैल्यू है उसको कम नहीं करना चाहते कि IPL प्लेयर की एक डिमांड रहेगी ये IPL खेल रहा है, वरना जो भी IPL से रिटायर हो रहा है वो बाकी सारी वो काउंटी क्रिकेट उनके प्लेयर खेलते हैं, हाँ। सारे जाते हैं काउंटी क्रिकेट, अश्विन वगैरह सब जाते हैं खेलते, लेकिन वो IPL के प्लेयर्स को इसलिए अलाउड नहीं करते कि हमारी प्लेयर की, अगर हमारा प्लेयर जाएगा दूसरी लीग में तो हमारी जो वैल्यू है IPL की वो नीचे है। यही है, ऐसा ही है जी जी, कंसर्न प्लेयर को जरूरत नहीं पड़ती IPL में, वो इतना कर लेते हैं। जब इंडियन प्लेयर्स IPL खेलते हैं तो उनको पैसे इतने ज्यादा मिल जाते हैं और क्रिकेट बोर्ड उनको इतने पैसे देता है कि उनको जरूरत नहीं होती जाने की, तो क्रिकेट बोर्ड का राइट है उनको रोकने का। यार जब मुल्क तरक्की करना चाहते होते ना तो वो अपनी ब्रांड्स को ओन करते, उन्होंने IPL क्रिएट की ना तो उन्होंने उसको कहा कि अगर हम दूसरी लीग्स भी खेलेंगे तो ऐसा लगेगा IPL भी एक वन ऑफ द लीग्स है, तो दे जस्ट मेक श्योर कि वो एक्सक्लूसिव लगे, और वो इंडिया कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बुरी हरकत है, ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। और दूसरा IPL के दौरान दुनिया में कोई क्रिकेट और कोई लीग नहीं हो रही होती, हाँ, या तो इतने पावरफुल बन जाएंगे मोस्टली रुक जाती है, वरना भाई शिकायत कैसी। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? कामरान। क्या करते हैं? आमिर भाई मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैनेजमेंट की जॉब करता हूँ। वेरी नाइस। सवाल आमिर भाई को पोर्ट्रेट डेडिकेट करना चाहता हूँ। गुलाब जैसे हो गुलाब लगते हो, गुलाब जैसे हो गुलाब लगते हो, हल्का सा मुस्कुरा दो तो लाजवाब लगते हो। कभी कोई ऐसा स्टेडियम में मोमेंट हुआ जिसकी वजह से शर्मिंदगी हो और कैमरा आपके ऊपर ही फोकस रहे और आप कह रहे हो यार ये कैमरा क्यों नहीं हट रहा मेरे? ऐसा कभी हुआ? हाँ हुआ था, होबार्ट में। मैं ओवर खत्म करके गया तो मैं अभी पानी उठाने वाला था तो आज से भाई बॉलिंग कर रहे थे, पॉन्टिंग ने पुल शॉट मारा तो उतनी देर में ना कैच की आवाज आ गई, उस टाइम जीरो पे खेल रहा था तो मेरे से कैच छूट गया, तो उस मैच में उसने आई थिंक 200 किया था। अल्लाह हो। हर टाइम आधे घंटे बाद ना मेरे पे कैमरा आता था। अरे मेरे साथ रजी भाई ऐसा वाकया हुआ, पाकिस्तान इंग्लैंड का चल रहा है मैच, लाहौर के अंदर फाइनल था सीरीज का, ठीक है, बाबर भाई ने कैच ड्रॉप किया, पूरे मैच में ना मेरे पे कैमरा नहीं आया, वो क्या जब कैच ड्रॉप हुआ तो मेरे को अचानक बैन स्टोक याद आ गया, जैसे ही बैन स्टोक कह रहा था ना वहां कैमरा मेरे ऊपर आ गया। और वसीम भाई ने हाईलाइट भी किया कि ताबिश बहुत एंग्री लग रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट मैच है उनको आसान लेना चाहिए, वो मीमे बन गई उसकी, पूरे पाकिस्तान में देखा कि मैंने बैन स्टोक को याद किया। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? मेरा सवाल है एक आप सबसे, करो। आप पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े लोगों से मिले होंगे, हाँ, लेकिन आज यहाँ मुझसे मिलकर कैसा लग रहा है आपको? बताओ आप देखें, पहले प्यारे बच्चे को देखें, इन्हें तो बाल चिपकाए हुए हैं, कमीज बंद है, अम्मी ने तैयार करके भेजा, जा मेरा बच्चा, चलो बहुत अच्छे, बड़ा प्यारा आदमी वहां पे, अच्छा लग रहा है आपको देखें।
बैठे बैठे अगला कौन है आप है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब अमजद। अब्दुल वहाब सवाल पूछो। मेरा तीनों कंटेस्टेंट से सवाल है, कंटेस्टेंट नहीं भैया पैनलिस्ट, पैनलिस्ट से सवाल है कि पाकिस्तान इंडिया से भी हारा है, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा है, तो क्या चीजें पाकिस्तान ओवरकम करे कि अगले मैचेस वो जीत सकता है अपने? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और किस्मत से तीनों से हारा है। नहीं, हमने पहले भी बताया और अभी फिर इसको रिकॉल कर लेते हैं कि जाके फेयरलेस क्रिकेट खेलें, डर किसी चीज का ना रखें, फेयरलेस क्रिकेट खेलें और अटैकिंग क्रिकेट खेलें। और अटैकिंग क्रिकेट से ये होता है कि आपकी बॉडी और माइंड वो एकदम आपको कहती है नहीं यार, आई एम हेयर टू डू समथिंग। सो मुझे उम्मीद है कि जब भी पाकिस्तान अब खेले तो उसी माइंडसेट से खेले। ठीक, वेरी गुड। अगला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोइज इमरान। मोइज सवाल पूछ। मेरा इमरान सर से सवाल है कि जैसे कि माशाल्लाह आपने पीछे दो तीन सालों में टीम से बाहर रहे हैं और माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, आपके बारे में ये स्टेटमेंट्स आई थी कि आप पीसीबी पे अगर आपको सिलेक्ट ना किया गया तो पीसीबी पे आप केस करें, क्या ये सदाकत है? इसमें कितनी सदाकत है, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें सदाकत असल में इसको बना दिया, डिफरेंट तरीके से किया था। मैंने इंटरव्यू में ये बोला था कि अगर मुझसे पीसीबी बात नहीं करेगा और मुझे ड्रॉप करेगा बगैर बात किए जिस वक्त ये हो रहा था, तो मैं अपना फ्यूचर का डिसीजन ले लूँगा। इसका ये मतलब नहीं था कि पीसीबी में केस कर दूंगा या कुछ कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत लीग्स खेलता हूँ। अब अपना डिसीजन, तो मैं अपना खुद डिसीजन लूंगा और ये तो मेरा राइट है। हाँ बिल्कुल, गलत होता है। कल भी जैसे मैंने एक ट्वीट किया, पेस इज पेस यार, पेस बड़ी है कल, तो वो लोग रिलेट कर रहे हैं हारिस रऊफ से। भाई कल मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, मार्क वुड को मार पड़ रही थी, उस पे मैंने ट्वीट किया था, तो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच तो दो दिन पहले हुआ था, तो मुझे टैग करे तुम हारिस रऊफ को कह रहे हो, तो पहले बंदा पूरी बात सुन लेता है, देख लेता है, फिर उसका जो है ना आगे राय अमल करता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हारना मनाए कहीं नहीं जाएगा। हाजिर आजाद, वेलकम बैक टू हारना मनाए, प्रेजेंटेड बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल्क। वक्त आ चुका है एच एम एच कप खेलने का, बहुत सख्त मुकाबला जारी है तीनों खिलाड़ियों में, इमाद इस वक्त लीड कर रहे हैं। आज का जो गेम है, क्योंकि आज पैनलिस्ट नहीं है, थोड़ा स्पेशल है। आज हर सवाल के जवाब में आपको टाइम्स टू पॉइंट्स मिलेंगे, यानी पहले अगर 10 मिल रहे थे तो आज 20 मिलेंगे, और पहले अगर -10 हो रहे थे तो आज -20 होंगे। ठीक है, आप खुद पे रिलाई करेंगे, आज बजर पे जरा हल्का हाथ रखेंगे, अभी नहीं है ना बजर, अभी नहीं है। पहला राउंड है 360 डिग्रीज, इसमें आपने जवाब देने हैं एस्टिमेटेड। पहला सवाल 360 डिग्रीज का ये रहा आपके सामने, दुनिया कितने साल पुरानी है? रजाक भाई ये तो देखा होगा आपने। हाँ भाई, सालों में जवाब देना है, कितने साल पुरानी है दुनिया, कितने साल पुरानी है? रजाक भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, चलें अंदाजन। बेटा एक सेकेंड, उनसे पूछो, वो उनका नाम है रजाक भाई जान, कुछ तो बोलो आप, कुछ तो 10,000 साल, 10,000 साल पुरानी। इमान, आमिर, 14,000 साल पुरानी है, ठीक है, 10,000, 14,000। रजाक भाई 20,000 साल पुरानी है, ठीक है, 20,000, क्या बोला, 10,000, 14,000। आंसर है 4.5 बिलियन ईयर्स की है दुनिया। मैं जीत गया। 20,000 किसने बोले? मैंने। आपने? आप जीत गए। 10, 10, 10, 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स। लेकिन आप कोई फखर की बात नहीं, 20,000 साल का, 4.5 अरब साल पुरानी है वो। हाँ तो ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट। अगला सवाल ये क्रिकेट से रिलेटेड है, अभी तक दिखाओ, अभी तक कितने टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं टोटल? बता दें आप पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के मिला के कितने टेस्ट मैच हो चुके हैं? रजाक भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। मेरी बात सुने, इनसे शुरू होता है ना? नहीं, आज आपसे होगा, आज आपसे होगा, बस अभी 20 पॉइंट जीते हैं आप। कितने टेस्ट पूरे? हाँ रजाक भाई जल्दी जल्दी तक। 1500 टेस्ट मैचेस। इमाद 1501 यार, ये क्या बात हुई है यार। 1502 सही जवाब है। 2515
रजाक भाई से पूछना तो मिल जाएगा क्योंकि मैं 2000 भी बोलता तो मेरे सामने माइनस कुछ नहीं है मगर प्लस बोलता ना ये अगर मैं 2000 भी बोलता ना इन्होंने कहना था आगे जाना था हमने। चलो भाई अगला सवाल, पाकिस्तान के कितने खिलाड़ी टेस्ट मैच खेल चुके हैं, कितने खिलाड़ी टेस्ट मैच खेल चुके हैं? अभी मैंने ब्रेक में आप लोगों से आपके टेस्ट मैच की कैप नंबर पूछी है, आमिर आप बताएं कितने खिलाड़ी टेस्ट मैच खेल चुके हैं? अभी तक हो गए होंगे 225 इधर 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 चले, उन्होंने पहले दिए दो सवालों में जवाब दे दें। 200 आपने कितने कहते? 225 आपने कहा 250 आपने कहा 200 आपने कहा 200 ठीक है आपने कहा 226 यार 253 रजाक भाई हारे गए। ये अच्छे ये जंगे अच्छी हैं भाई। अब राउंड जो आ रहा है -20 भी हो सकेंगे, बजर राउंड है। इस राउंड में इस राउंड का नाम है बुल जाए, इसमें खाके दिखाए जाएंगे, खाका देखना है, बजर दबाना है, जवाब देना है। दिखाओ बेटा खाका। लग तो वही रहा। हिंट दे रहा हूं, इन द फिल्म बन चुकी है। नॉट ही माइनस है इन पे फिल्म बन चुकी है। लाला होंगे? होंगे नहीं, जवाब देना है। एम एस धोनी आपने कहा, शायद आफरीदी। हाँ हाँ कर दो, दिखाओ बेटा क्या है। MS Dhoni +20 गुलमार -20 टू आमिर। मैं अगला सवाल धोनी में पर अगला खाका दिखाइए। शाहिनशाह दिखाइए। शाहिनशाह अपने वापस, ये बड़ी मशहूर तस्वीर है इनकी कुछ देख लिया है पता नहीं रहे। अच्छा भाई आज हमने इंट्रोड्यूस कराया एक नया राउंड, ट्रू और फॉल्स को कटाया क्योंकि रजाक भाई उसमें तुक्के पे तुक्का मारे जा रहे हैं। आज राउंड है, इसका नाम है ट्रू फॉल्स, इसका नाम है ईगल आई। एक तस्वीर दिखाई जाएगी, उसमें बॉल को आइडेंटिफाई करना है कि ओरिजिनल बॉल कौन सी है। दिखाओ बेटा, ए बी या सी। बजर दबा के, बजर दबा के। रजाक भाई विद ऑल योर एक्सपीरियंस। हाँ जी ए। ए कोई चैलेंज करेगा जी? क्या बोला आपने? बी तो है नहीं। बी मैंने बोला ना। क्या कहे? चैलेंज है ना। हाँ चैलेंज के पॉइंट ज्यादा होते हैं ना। नहीं नहीं 20 है, उनके -20 हो जाएंगे, जल्दी बताइए। बी। बी सही जवाब है। सही जवाब बी इज द राइट आंसर। +20 -20 मेरे 20 है ना, आपके +20 आपके 20। अच्छा खेल रजाक भाई आप। अगला इसी राउंड का अगला सवाल, ए बी या सी। व्हाट तुसी तो चुप करो भाई, जिन एंगल देखो बैट का, ये टोटली डिपेंड करता है कितने माइक्रोसेकेंड हो चुके हैं बॉल लगे हुए। रजाक भाई जल्दी बजर दबाओ। मैं सारे माइनस ही कराऊंगा। सी। सी चैलेंज करना चाहता है कोई लड़का भाई, कर दो चैलेंज। कोई लड़का तो आज खुला ही खेलते हैं। कोई लड़का चैलेंज करना चाहे खुला खेलते हैं। अच्छा इमान हो गए। ए आपने कहा सी। सी अच्छा मैं भी बोल सकता हूँ, दसो अगर मैंने जो बोल दिया इनका तो सही होगा। ठीक है नहीं होगा, चैलेंज करना है आपको। नहीं अगर आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नहीं अगर आपको लगता है गलत है तो आप चैलेंज कर सकते हो, वरना छोड़ दो आप। डबल पॉइंटिंग नहीं, मैंने सी बोला। ठीक है आपने कहा सी, इन्होंने कहा तो चैलेंज आज नहीं करता। ठीक है दिखाओ बेटा सही आंसर क्या है। ए इज द राइट आंसर। रिमार्क +20 -20 मैं बी करने लगा था। जल्दी से बी को आ रही है, माइनस नहीं हुआ मेरा। नहीं कुछ नहीं हुआ। अब अगली वीडियो आ रही है, आउट और नॉट आउट बताना है, स्टॉप हो जाएगी, आपने गेस करना है। दिखाओ बेटा। हाँ जी आउट। आउट रजाक भाई तुक्का है। तुक्का। दिखाओ बेटा आउट। +20 रजाक भाई हमारे पैनल के तुक्का स्पेशलिस्ट रजाक भाई। यस हाँ मारते तो है तुक्का, सबको पता है। आज एक तो आज आप पैंट उल्टी पहन के आए हो। किसकी पैंट पहन है? पैंट उल्टी पहन के। अगला सिक्स और नॉट अ सिक्स दिखाओ। मैंने बोला मैंने। एक सेकंड सिक्स पहले बजा बजाया भाई। मैंने सिक्स सिक्स रजाक भाई सिक्स। चक्का है टॉप एज पे। अच्छा मैंने दबाया था पहले
भाई जान माइनस 20 आपकी बचत होगी। मैं कसम से कह रहे लगा था नॉट अ सिक्स, लेकिन माइनस 20 हो गया आपका। ठीक है, अगला राउंड जो है इसका नाम है डेथ ओवर। सवाल आएंगे, चार ऑप्शन आएंगे, बजर दबा के जवाब देना है। पहला सवाल है ये, दुनिया में सबसे ज्यादा दरख्त किस मुल्क में पाए जाते हैं? इंडिया, ब्राजील, चाइना और रशिया। जवाब देते वक्त आप रकबे का लिहाज रखें। ये बस रकबे का एहसास रखें। हाँ जी, इंडिया। इंडिया कोई चैलेंज करना चाहे, स्टेक बढ़ा रहा हूं। जो इसका सही जवाब देगा 40 नंबर, माइनस 20 ही होंगे मगर नंबर 40 मिलेंगे अगर सही जवाब। 40 स्टेक बढ़ रहे हैं, स्टेक बढ़ रहे हैं। 50 पॉइंट मिलेंगे। चाइना। इमान आप तुक्का लगाओगे अगर दोनों के दो लोगों के ठीक भी या रशिया या चाइना है? या रशिया या चाइना? रशिया इंडिया चाइना स्टेक पे लगे हुए 40 पॉइंट। ठीक है, दिखाओ बेटा। रशिया इज द राइट आंसर। भाजन -20 -20 +40 मेरा तो फायदा कराया ना मैंने। अगला सवाल दिखाइए बेटा, वो कौन सा खिलाड़ी है जो सिफर पर सबसे ज्यादा आउट हुआ है? हाँ जी, मैग्रा। चैलेंज, कोई चैलेंज में लड़का खड़ा हो रहा है? चैलेंज में खड़ा हो रहा है। कितने पॉइंट है? अभी 20 ही है। नहीं बढ़ाए ना इसको? अभी नहीं बढ़ाना, आसान सवाल है। बढ़ाए ना, आपने बजा दिया, जवाब दे। अब माइनस 20 पता है आंसर, लेकिन डाउट में दे, मैं दे, अभी स्टेक्स ही बढ़ाए मैंने 20 या -20। 10 हो जल्दी। अफरीदी, शायद अफरीदी। सूर्य है। ठीक है, सही जवाब। इमाद दे रहे कुछ? नहीं नहीं, अब तो ये कोई बात नहीं हुआ। चैलेंज करा रहा हूं ना, माइनस ही होंगे सबके। कराएं जी, छोड़ें जी, छोड़ दिया। सही जवाब है मुरलीधरन, -20 -22 बोल रहा सबसे ज्यादा आउट। नहीं नहीं, मुरलीधरन सबसे ज्यादा। मैं बच गया। मैं जयसूर्य। अगला सवाल दिखाओ बेटा, इंसानी जिस्म में कुल कितने पट्टे पाए जाते हैं? इंसानी जिस्म में करो यार, आप अद्धा तो गलत है, करा देंगे। बजर बजाए, इनाम पट्टे 20 और -20 पट्टे इंसानी जिस्म के पट्टे। लेकिन 550 550 कोई लड़का नहीं, सही है ये। कोई लड़का दबा दो, 650 जवाब है। ब्रेक के बाद खवातीन हजरात, ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हर लड़ाई के लिए कितने पट्टे होते हैं? रजाक भाई ने कहा 550, आमिर ने कहा 650। सही जवाब है 650। जल्दी जल्दी वक्त हुआ है कि आज के विनर को देखा जाए। देखते हैं आज का HMH कप का विनर कौन है। दिखाइए बेटा, विनर है इमाद वसीम विद 80 पॉइंट्स। खेले बगैर ही दो, जब रेट खुला तो उन्होंने अच्छा वो खेला ना यार, 80 पॉइंट्स। अब देखते हैं HMH कप में ओवरऑल स्टैंडिंग्स क्या हैं। दिखाइए प्रेडिक्शंस मिला के 635 पे आमिर, 680 पे रजाक भाई और 890 पे कोई बात नहीं। अभी बहुत काम, बहुत लंबा है सफर है। आहिस्ता संभाल लू। भाई अब वक्त आ चुका है कि हम क्रिकेट पे बात कर लें थोड़ी सी। कल एक मैच है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। कहना तो नहीं चाहिए कि अंडरडॉग के अगेंस्ट खेल रहे हैं। इमाम आपसे बात करूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर टीम अफगानिस्तान और उन्होंने हमें हर वर्ल्ड कप में हर सीरीज में मुश्किल हमारे साथ की है। ऑल दो के कुछ मैचेस में ऐसा हुआ क्या बहुत अमेजिंग इनिंग्स होगी नीचे से आके, तो अफगानिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस टीम इन दिस वर्ल्ड कप। वेरी नाइस। और मुझे लगता है टॉस के बाद पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए। टॉस के बाद क्या करना चाहिए रजाक भाई? देखिए डेफिनेटली मैं भी इसी में जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर बैटिंग करता है जिस तरह इंटेंट से लास्ट मैच खेला है, तो इनको चाहिए कि 350 रन करें आराम से बॉलिंग करें, क्योंकि वो अफगानिस्तान को इतनी डेप्थ नहीं है कि वो 300 स्कोर करें, 350 का प्रेशर बर्दाश्त कर सके। आमिर भाई बैटिंग करनी चाहिए पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान का जो मैच है कल, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एज अ नेशन, एज अ कॉम, एज क्रिकेट फैंस हमारी बाबर आजम से, ये बताएं भाई। देखें बाबर आजम नो डाउट पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है और मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश है कि बड़े मैच में बड़ा प्लेयर करे। अब पाकिस्तान को ज़रूरत है उसकी इस मैच में, क्योंकि पाकिस्तान डाउन एंड आउट लग रहा है।
इस मैच में अगर कोई लिफ्ट कर सकता है पाकिस्तान को, वो बाबर आजम के रन्स हैं, चाहे 50 हो चाहे 100 हो 150, वो ऐसे रन होने चाहिए कि मैच विनिंग रन होने चाहिए, और मेरी उम्मीद है कल बाबर 100 करे। मैच विनिंग रन होने चाहिए, इसका मतलब है फास्ट खेलना होगा। डेफिनेटली इंडिया से बड़ा मैच तो कोई भी नहीं होता हाँ पाकिस्तान की नज़र में। अब ये कि परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, ये बाबर पे ड्यू है, जैसे अभी कोहली कर रहा है स्कोर, बिल्कुल इनको भी स्कोर करना चाहिए, इससे काफ़ी मोमेंटम अच्छा बनेगा। हाँ, पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा अगर बाबर ने अच्छी इनिंग्स खेली कल। आमिर, एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए बाबर से? बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना होगा एज अ बैटिंग यूनिट उनकी जो अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है उनको टैकल कैसे करना है, असल क्वेश्चन ये है। क्योंकि हमारे प्लेयर जितने भी हैं, मैंने नहीं देखा अपार्ट फ्रॉम रिजवान कोई हमारा प्लेयर अच्छा है अगेंस्ट स्पिनर, तो ये बड़ा है, क्योंकि मैच चेन्नई में है तो ये एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। मुझे जो लगता है जो क्रूशियल चीज होगी, पाकिस्तान जब बैटिंग करेगा, क्योंकि हमने देखा है काफी मैचों में कि राशिद आता है 16th या 20th ओवर में, अगर वो पहले 16 ओवर पाकिस्तान ने 100 रन कर दिए, 110 रन कर दिए, तो उसके बाद राशिद को वो निगोशिएट करेंगे। ये ना हो कि वो फिर से ऐसा हो कि 16 ओवर में 60-70-80 रन है और फिर आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल हमें ये देखनी होगी कि पाकिस्तान पहले बारी करता है, फर्स्ट 16 ओवर राशिद के आने से पहले अगर वो 100 रन बना गए और सेट बैट्समैन हुए तो बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब प्रेडिक्शंस का वक्त आ चुका है, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान टुमारो एट चेन्नई, आपका विनर कौन है? पाकिस्तान। रजाक भाई, पाकिस्तान भाई, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की बात है तो मैं भी पाकिस्तान के साथ हूँ। आइए भाई, हाथ उठाने हाथ उठाने बहुत वक्त आ चुका है, अब दवाओं से कुछ नहीं होगा, अब दवाओं दुआओं का सहारा चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को। अल्लाह मियां, उनमें साहब बोलो अल्लाह मियां, कल पाकिस्तान इज्जत के साथ जितवा दे, आमीन प्लीज पाकिस्तान की जीत के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।